नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अवसर किसी प्रकरण में समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या कर सकता है। तो दर्शकों, कई बार यह होता है कि राजस्व के जो प्रकरण रहते हैं उन राजस्व के प्रकरणों में जब कोई व्यक्ति अनावेदक के रूप में उपस्थित होता है तो उसका जवाब का अवसर अनुपस्थिति के कारण समाप्त कर दिया जाता है या उसके साक्ष्य का अवसर भी अनुपस्थिति के कारण समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसका कि इस प्रकार से कोई अवसर समाप्त कर दिया गया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो इसी संदर्भ में एक हमारे जो दर्शक है उनकी कमेंट आई हुई है, तो पहले उस कमेंट को हम देख लेते हैं। इनकी कमेंट है, धारा 250 के प्रकरण में अनावेदक को जवाब का अवसर समाप्त हो जाने पर पुनः एक बार अंतिम अवसर कैसे प्राप्त करें। तो देखिए दर्शकों, इस कमेंट के संबंध में हम कानून की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कानून जो है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 35(2) और 35(3) के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति के कारण कोई आदेश पारित हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए और वह कितनी अवधि में उस आदेश को अपास्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है। तो 35(2) और 35(3) क्या कहती है, इस संबंध में हम जो है कानून की किताब में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, 35(2) और 35(3) में जो लिखा है वह यह लिखा है कि पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई। उपधारा 2 कहती है, यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष के मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार उस पर सूचना या समन का सम्यक तामिल हो जाने के पश्चात उस तारीख को जो सुनवाई के लिए नियत की गई है उपसंजात नहीं होता है तो वह मामला यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में सुना तथा अवधारित किया जाएगा या अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जा सकेगा। देखिए, इसमें यहाँ स्थिति यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकरण की तामील हो चुकी है या उसको उस प्रकरण की आगामी पेशी नियत की गई है, उसकी जानकारी है, तो उस तारीख को उसको उपस्थित होना चाहिए, चाहे वह आवेदक हो या वह अनावेदक हो। लेकिन यदि वह उस तारीख पेशी को उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में यदि वह अनावेदक है तो उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी और यदि वह आवेदक है तो उसका प्रकरण जो है उसकी अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, हम जान लेते हैं कि धारा 35(3) क्या कहती है। धारा 35(3) जो कहती है उसको भी हम कानून की किताब में पढ़ लेते हैं। कानून की किताब में धारा 35(3) के बारे में लिखा है, वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, अर्थात जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 35(2) के तहत जो आदेश पारित किया गया है अर्थात उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध जो कार्यवाही हुई है, चाहे वह साक्ष्य को समाप्त करने की कार्यवाही हुई हो या जवाब का अवसर समाप्त करने की कार्यवाही की गई हो, यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि केवल उसकी अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध जो एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है उसी आदेश को अपास्त करके उसे बायपार्टी किया जाएगा। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया, कोई आदेश से मतलब यह भी हो सकता है कि यदि उसका साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया हो या उसके जवाब का अवसर समाप्त किया गया हो तो ऐसे आदेश की तारीख से या उस आदेश में जबकि सूचना या समन की सम्यक रूप से तामील न की गई हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे अपास्त करने के लिए आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था। मतलब यह स्पष्ट है कि
यदि किसी व्यक्ति का जवाब का अवसर समाप्त तो हुआ है, या उसके विरुद्ध एक पक्ष की कार्रवाई हुई है, या उसका साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है, उस व्यक्ति को 30 दिन के भीतर उसी न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 35(3) के तहत प्रस्तुत करना होगा कि उस वह व्यक्ति जो है किसी महत्वपूर्ण कारण से मतलब है कि न्यायालय को उसकी बात पर विश्वास हो जाए और उसका जो कारण है, अनुपस्थिति का कारण है, वह कारण उचित कारण होना चाहिए। तो जो आदेश पारित हुआ है या आदेश पारित हुआ है उसकी जानकारी की तारीख से वह 30 दिन के भीतर धारा 35(2) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध धारा 35(3) के तहत आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आगे आया है कि सुनवाई उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा है था और राजस्व अधिकारी उस विरोधी पक्षकार को जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था सूचना देने के पश्चात तथा ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे पारित किए गए आदेश को अपास्त कर सकेगा। तो दर्शकों, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार का आदेश पारित किया जाता है जिसमें या तो उसके जवाब का अवसर समाप्त कर दिया जाता है, या उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाता है, या उसका आवेदन पत्र ही, जब वह आवेदक है तो ऐसी स्थिति में उसका आवेदन पत्र ही खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित हुआ है वह व्यक्ति 30 दिवस की मियाद के भीतर उसी न्यायालय में जो है आवेदन पत्र धारा 35(3) के तहत प्रस्तुत कर सकेगा और न्यायालय यदि उस आवेदन पत्र पर से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ इस आवेदन पत्र में जो कारण बताया गया है वह उचित कारण है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस व्यथित व्यक्ति को पुनः अवसर प्रदान किया जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका यदि कोई कन्फ्यूज़न है या अन्य कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दर्शकों, क्या हमारा चैनल सही दिशा में काम कर रहा है? इसलिए आप यदि हमारे चैनल को अच्छा मानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा यदि आपका भी कोई विधि संबंधित सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।